कैथल में पोल्ट्री फार्मर ने जिला लघु सचिवालय में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। वहीं पोल्ट्री फार्मर ने सरकार के चिकन की कस्टम ड्यूटी खत्म करने के फैसले का विरोध किया है और भारतीय पोल्ट्री को बचाने के लिए अपनी मांगों का तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि लोगों को इस पोल्ट्री व्यापार से रोजगार मिल पा रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस रोजगार को खत्म करना चाह रही है, जिससे भारत का पोल्ट्री व्यापार बर्बाद हो जाएगा और मक्का सोया की खेती करने वाले किसान पोल्ट्री पर ही निर्भर करते हैं। पोल्ट्री फार्मर का कहना है कि मोदी सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पोल्ट्री व्यापार बड़े बड़े व्यापार के साथ भी जुड़ा हुआ है और अगर यह व्यापार ठप हो जाता है तो इससे अन्य व्यापार और देश के अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। लोगों को पोल्ट्री व्यापार से रोजगार मिल रहा है, जिससे मतलब अभी मोदी साहब इसको ट्रंप साहब के साथ मिलकर बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो कि हम चाह रहे हैं कि इस पर 100% ड्यूटी लगे और वो 25% पे इंडिया मान रहा है और ट्रंप साहब इसको 0% करवाना चाहते हैं, जिससे हिंदुस्तान की पोल्ट्री बर्बाद हो जाएगी, जिससे मक्का सोया सभी फसलें जो कृषि किसान है जो कि पोल्ट्री के ऊपर निर्भर है सभी को मतलब यहीं से रोज़गार मिलता है।